वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेरा रूम है फैला हुआ एंड मैं अभी अभी उठी हूँ एंड आज की मॉर्निंग की शुरुआत की है मैंने इन चूजुओं को खिला के जिनके चूचू की आवाज़ आ रही है एंड मेरे रूम के सामने ही इनको बाहर निकाल दी हूँ मैं गली में से, तो यहीं पे खेल रहे हैं। ये देखो इनको कुछ भी अनाज देने से नहीं खाएंगे, ये लोग पूरे घर का कचड़ा बिन बिन के खाएंगे। हाँ देखो जहाँ पे भी कचड़ा मिलेगा वही खाएंगे, जाला कीड़ा मकौड़ा मच्छर मच्छर मार के तो वो भी खा जाएंगे लोग। तो मैं जा रही हूँ अभी किचन में अपना ब्रंच बनाने, बिकॉज ब्रेकफास्ट का टाइम निकल गया, लंच का टाइम आने वाला है, तो एक ही बार ब्रंच बनाऊँगी एंड आज बनाऊँगी सोच रही संडे स्पेशल अप्पे, टेस्टी वाला। वो भी मेरे पास ज़्यादा हरी सब्जियाँ तो नहीं है बट मेरे पास है सोयाबीन, तो सोयाबीन वाला अप्पे मैं बनाऊँगी जो कि मैंने एक बार और बनाया था एंड वो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो रात को ही मैंने अरेंजमेंट कर ली थी, मतलब कड़ी पत्ती भस्की मार के ला ली थी, दही वही खरीद के ला ली थी एंड अब जा रही हूँ अप्पे का बैटर बनाने। अब लगता है सफाई की बारी आ गई है मेरे रूम की, तो ये इसलिए मेरे रूम का आके कचरा खा रहे हैं और ये पॉटी करके भी जाएंगे, खाते खाते बहुत ज़्यादा पॉटी करते हैं। ओके खाओ पॉटी करो, मैं झाड़ू पोछा मार लूँगी। मेरे रूम में भी इतने सारे बाल गिरे पड़े हैं मेरे, इन लोग बाल से ही उजड़ा जा रहे हैं, वो वाइट वाले स्पेशली। ढूंढो ढूंढो कहाँ कहाँ कचरा है ढूंढो, हाँ पूरा रूम में घूमो। तो ये मैंने अप्पे का बैटर बनाकर कर लिया तैयार एंड अब जा रही हूँ बाकी अपने रूम के काम करने। लाइट वैसे गोल है बट पोछा ओछा मारना है, कपड़ा वपड़ा धोना है मेरे को एंड लिटरली इतना ज़्यादा मेरे को गुस्सा आता है, दिमाग ख़राब लगता है ना आजकल के पेरेंट्स पे। यार पढ़ने के टाइम पे बच्चे को पढ़ाओ कि नहीं, अब संडे के टाइम पे तुम बोल रहे हो आके ट्यूशन ले लो, एग्ज़ाम आने वाला है, सारा तुम मर रहे थे 2 महीने पहले जब पता था एग्ज़ाम होगा। तो लिटरली इतना इरिटेशन होता है ना, मतलब हमारे ज़माने के माँ बाप भी ठीक थे यार, कूट फूट के पढ़ाते थे, जैसे भी पढ़ाते थे भेज देते थे, जाओ तुम पढ़ो अच्छा नंबर लेके आओ। आजकल के माँ बापों को प्रेशर भी नहीं देना, बोलते प्रेशर भी नहीं, हमारा बच्चा इतना प्रेशर नहीं झेल पाएगा, उसको मत इतना प्रेशर दो और अच्छे नंबर भी चाहिए, कहाँ से नहीं पता लेके आऊँ। फाइनली लाइट आ गया है तो थोड़ा सा रूम ठीक कर लेती हूँ एंड मार लेती हूँ झाड़ू पोछा। तो नहाना धोना हो गया है कंप्लीट एंड मैंने सारे कपड़े भी धोकर मैंने छत पे सुखा दिए, चादर उदर भी धोना था काफ़ी दिन से एंड अभी छत पे बहुत ही मस्त हवा चल रही है। बट अभी हवा खाना छोड़ते हैं, जाते हैं नीचे डायरेक्ट खाना खाने के लिए, मतलब हमारा ब्रंच। हे गाइस, तो मेरा नाश्ता पे ये बनकर हो गया तैयार एंड साथ में बची हुई दही का मैंने यहाँ पर लस्सी भी बना लिया क्योंकि गर्मी भी आ रही, तो थोड़ा सा मन करता है थोड़ा ठंडा रिफ्रेशिंग कुछ हो जाए, तो इसको फटाफट निकालती हूँ एंड दूसरी घनी चढ़ाती हूँ। हे गाइस, तो अपना नाश्ता करके खाना खा के मैं कर रही थी आराम, फोन वोन चला रही थी, पर इन चूचियों ने आराम करने नहीं दिया, दिन भर चूचू चूचू आवाज़ आती रहती है, अभी भी बगल में बैठ के चूचू ही कर रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। ये देखो वेट अ मिनट, चूचू कहाँ गए, ये इनका घर है छोटा सा एंड ये अभी यहीं पे तो थे फिलहाल, दरवाजे की तरफ चले गए हैं ये शायद। ये देखो यहाँ पर छुप के बैठे हैं चूचू, हाँ भग गए चूचू, आ जा आ जा आ जा। इन लोगों को खाना नहीं खाना होता, ये बहुत भूखड़ है एंड ये बहुत सोदड़ है, बता चुकी हूँ इन लोगों के बारे में। ये इसके सामने से हाथ भी रखो ना तो हाथ में आके भी ये चोंच मारता है जैसे कुछ खाने की चीज़ हो। देखो अरे भाई पॉटी है वो तेरा एंड ये बहुत सोदड़ है, इसको गोद में लेके 2 सेकंड ऐसे सहलाते रहो सो जाता है, अरे भग गया। डेली इन लोगों को खाना देते हैं फिर भी शक्ल भूल जाते हैं, लोग पहचानते नहीं है। दोनों उड़ के ना इस पे चढ़ने का ट्राई करते हैं, अभी ये देखो चढ़ गया। ये बेचारा नहीं चढ़ पाता, चढ़ जा ट्राई ट्राई चू चू, रुक जा बे तू, ओले इसको ऐसे करूँगी ना तो ये थोड़ी देर में सो जाएगा, इसको बहुत अच्छा लगता है मसाज करवाना, सो जा बे तू। ये गोद में आराम से बैठ जाता है, वो ऑरेंज वाला बहुत अतलंगी है, उसको गोद में भी नहीं बैठना। फ्री हो अभी? अभी जाऊंगी ट्यूशन। देखो कितना मस्त शांति से बैठा है एंड मैं मस्त इसके साथ व्लॉग बना रही हूँ, मेरा व्लॉगिंग कंटेंट न्यू। भाई गिर जाएगा यहाँ से, लग जाएगा चोट, ये बहुत प्यारा लगता है, ये आराम से बैठ जाता है।
लाइक कैसा दिख रहा है तू, मस्त दिख रहा है ना। हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ ट्यूशन के लिए तैयार एंड अभी रूम वूम लॉक करके निकल रही हूँ। आज थोड़ा जल्दी ही आ जाऊँगी। एंड ये चश्मा भी मैंने बर्थडे पे लिया था, बताना कैसा लग रहा है मेरे पे। मेरे को तो काफ़ी कूल लुक लग रहा था यार। लिटरली सिग्नल का व्यू देखो, वहाँ पे इतनी सारी चिड़िया है पूरी उड़ रही है, बहुत सुंदर सी। A few moments later. Hey guys, back to room. अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई है। मैंने एक्चुअली अप्पे का बैटर थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया था, तो थोड़ा सा मैंने रख दिया था, तो अभी बना के जा रही हूँ छत पे। छत पे बैठ के मस्त खाऊंगी, अभी शाम हो गया है। हे गाइस, तो अभी खाना बनाना हो गया है डन। एंड दिन में तो मैं अप्पे खाई थी, इसीलिए अभी बनाई हूँ मस्त गर्मा गर्म चावल एंड आलू भाटा की सब्जी, हमारा नेशनल वेजिटेबल। प्लस आज भी मैंने बना लिया है ये ऑमलेट, आज से बिना टमाटर के बनाया है क्योंकि टमाटर महंगा हो रहा है, तो वैसे ये काफ़ी टेस्टी दिख रहा है बिना टमाटर के भी। तो फटाफट निकालती हूँ खाना एंड स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये है हमारा आज का थाली जो कि काफ़ी मस्त है, तो अब फटाफट करते खाना स्टार्ट, देख के भूख बढ़ गई है। हे गाइस, तो खाना पीना हो गया कंप्लीट एंड बर्तन धोना बचा है, तो जा रही हूँ अभी बर्तन धोने, देन उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।